हेलो आपके पति ने ना वो क्रेडिट कार्ड का बिल तीन महीने से भरा नहीं है यहाँ मैंने अपनी मांग में एक हफ्ते से सिंदूर नहीं भरा आपको बिल की पड़ी है देखिए आप बुरा न माने तो मैं आपकी मांग भर देता हूँ मांग भरने के लिए तो पूरा मोहल्ला पड़ा बिल कौन भरेगा तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो शिव के दास नहीं शिव के पास हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रीम गर्ल टू मूवी ओ माई गोड टू मूवी और गद्द टू मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ड्रीम गर्ल टू मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मूवी की कास्टिंग के बारे में इसमें आयुष्मान खुराना अनन्या पांडे प्रियस रावल और राजपाल यादव इसे डायरेक्ट किया है राज सिंदलिया ने और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के स्क्रीन काउंट के बारे में ड्रीम गर्ल टू मूवी को इंडिया में स्क्रीन मिली है 1500 और ओवरसीज से मिली है 700 स्क्रीन टोटल वर्ल्ड वाइड स्क्रीन मिली है ड्रीम गर्ल टू मूवी को 2200 स्क्रीन और अपन बात कर लेते हैं ड्रीम गर्ल टू मूवी के बजट के बारे में ड्रीम गर्ल टू मूवी का बजट सिर्फ पैंतीस करोड़ रुपये और दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम बात कर लेते हैं ड्रीम गर्ल टू मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ड्रीम गर्ल टू मूवी ने अपने पहले दिन कमाए थे दस करोड़ उनहत्तर लाख रुपये जो कि बहुत ही अच्छी ओपनिंग ली थी मूवी ने दोस्तों तो इसके दो से दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करेंगे आज है सैटरडे और आज ये मूवी बहुत ही अच्छा कलेक्शन कर रही है और आज ये मूवी अपने दो से दिन कमा रही है बारह करोड़ रुपये इसी के साथ ड्रीम गर्ल टू मूवी का इंडरनेट कलेक्शन होता है बाईस करोड़ उनहत्तर लाख रुपये और इस मूवी ने ओवरसीज से कमाए हैं दो दिनों में पाँच करोड़ रुपये और ड्रीम गर्ल टू मूवी का टोटल वर्ल्ड वाइड रोस कलेक्शन होता है उनतीस करोड़ सत्तर लाख रुपए और कल है संडे कल इस मूवी के कलेक्शन में बहुत बड़ा उछाल आ सकता है और ये मूवी कल पंद्रह करोड़ रुपए भी कमा सकती है आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताना और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करिए तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ओ माय गॉड टू मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ओ माय गॉड टू मूवी का क्लिस गो मूवी के सामने हुआ था चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओ माई गुड टू मूवी के कास्टिंग के बारे में इसमें अक्षय कुमार पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम और इसे डायरेक्ट किया अमित राय ने अमित राय का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब था और ओ माय गो टू मूवी का बजट था सिर्फ साठ करोड़ रुपए तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ओ माय गो टू मूवी के सोलह दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में आपको बता दें कि ओ ओम गो टू मूवी ने पहले दिन कमाए थे दस करोड़ छब्बीस लाख रुपए और अब हम बात कर लेते हैं इसके ओपनिंग वीकेंड के बारे में मतलब इसके तीन दिनों के बारे में ओ माई गो टू मूवी ने अपने तीन दिनों में कमाए तेलीस करोड़ ग्यारह लाख रुपए और अब हम बात कर लेते हैं इसके एक हफ्ते के, मतलब के, के बारे में मतलब इसके सात दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ओ माई गो टू मूवी ने अपने सात दिनों में टोटल इंडियन नेट कलेक्शन किया है पचासी करोड़ पाँच लाख रुपए और अब अब बात कर लेते हैं इसके दूसरे हफ्ते के बारे में मतलब चौदह दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ओ माय गॉड टू मूवी ने अपने चौदह दिनों में एक सौ छब्बीस करोड़ बयालीस लाख रुपए का इंडियन नेट कलेक्शन किया था और इसका दो हफ्ते का इंडिया ग्रोस कलेक्शन होता है एक सौ पचास करोड़ पाँच लाख रुपए और ओ माय गॉड टू मूवी ने चौदह दिनों में और से कमाए बत्तीस करोड़ पैंतीस लाख रुपए और चौदह दिनों का वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन होता है ओ माई गो टू मूवी का एक सौ बयासी करोड़ पिचासी लाख रुपए अब हम बात करते हैं ओ माई गो टू मूवी के पंद्रह दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में ओ माई गो टू मूवी ने अपने पंद्रह दिन कमाए थे दो करोड़ उनहत्तर लाख रुपए और अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन के बारे में मतलब सोलवे दिन के बारे में आज ये मूवी अपने सोलह दिन कमा रही है लगभग तीन करोड़ रुपए और इसी के साथ इसका इंडियन नेट कलेक्शन होता है एक सौ इकतीस करोड़ बयालीस लाख रुपए पे इसका इंडिया ग्रोस कलेक्शन होता है एक सौ पचपन करोड़ रुपए और इसके सोलह दिनों का वर्ल्ड वाइड टोटल ग्रोस कलेक्शन होता है एक सौ अट्ठासी करोड़ पचासी लाख रुपए दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए अगर नहीं अच्छी लग रही है तो डिसलाइक करिए तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं गद्दर टू मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में सबसे पहले हम बताते हैं कि गद्दर टू मूवी ने सच में गद्दर मचा दिया है सिनेमाघर फुल है और गद्दर टू मूवी को देखने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है सिनेमाघरों के बाहर और इस मूवी का तीसरा हफ्ता हाँ चल रहा है फिर भी ये मूवी ताबड़तोड़ कमाई कर रही है तो सनी देवल की करियर की सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है गद्दर टू मूवी चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं गद्दर टू मूवी की कास्टिंग के बारे में इसमें सनी देवल अमित शाह पटेल उत्कर्ष शर्मा इसे डायरेक्ट किया है अनिल शर्मा ने तो दोस्तों अब हम आपको बता दें कि इस मूवी का बजट सिर्फ साठ करोड़ रुपए है साठ करोड़ रुपए में इतनी बेहतरीन मूवी बनाई और दोस्तों गद्दर टू मूवी को टोटल वर्ल्ड वाइड स्क्रीन मिली है चार हज़ार दोस्तों हमें हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब हम आप बात करने वाले हैं इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में गद्दर टू मूवी के आज हम बात करेंगे सोलह दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में गद्दर टू मूवी ने कितने का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है तो गद्दर टू मूवी ने अपने ओपनिंग डे पर मतलब अपने पहले दिन कमाए थे चालीस करोड़ दस लाख रुपये और अपने इन दिनों में कमाए थे इस मूवी ने एक करोड़ अठासी लाख रूपए और अब हम बात कर लेते हैं इसके एक हफ्ते के, मतलब के, इस के बारे में मतलब सात दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में इस मूवी ने अपने सात दिनों में कमाए थे दो सौ करोड़ तिरसठ लाख रुपए और अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे हफ्ते के बारे में गद्दू अपने दूसरे हफ्ते मतलब अपने चौदह दिनों में टोटल इंडियन नेट कलेक्शन किया है चार करोड़ दस लाख रुपए और गद्द टू मूवी ने अपने पंद्रह दिन पे कमाए थे सात करोड़ दस लाख रुपए और अब हम बात कर लेते हैं आज के बुक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में मतलब इसके सोलह दिन के बारे में आज ये मूवी कमा रही आठ से दस करोड़ रुपए और इसी के साथ इसका टोटल सोलह दिनों का इंडियन नेट कलेक्शन होता है चार सौ छत्तीस करोड़ बीस लाख रुपए और इसका इंडिया ग्रोस कलेक्शन होता है पाँच करोड़ अड़तीस लाख रुपये और गदर टू मूवी ने ओवरसीज से कमाए हैं तिरपन करोड़ बानवे लाख रुपये और इसी के साथ गर्दर टू मूवी का सोलह दिनों का वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कलेक्शन होता है पाँच सौ बहत्तर करोड़ तीन लाख रुपए की ये मूवी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर बन चुकी है तो दोस्तों आपको इन तीनों में से कौन सी मूवी अच्छी लगी है कमेंट में जरूर बताना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर, करना चैनल सब्सक्राइब करना